अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहीदा अख्तर है और मैं चिन्नौर से बिलोंग करती हूँ। मैं लाहौर कॉलेज फ्रॉम वुमेन यूनिवर्सिटी से बीएस ऑनर कर रही हूँ। सो फर्स्ट टाइम में हम लोग फिटनेस सेशन करते हैं जिसमें रनिंग होगी और डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज होते हैं जो हम लोग करते हैं, और उसके बाद हम लोग रेस्ट लेते हैं और सेकेंड टाइम फिर हम लोग अपना नेट सेशन हमारा होता है, हम लोग वो करते हैं, बैटिंग होगी बॉलिंग होगी वो चीज़ें हम लोग फिर करते हैं। उसमें फ्री टाइम में मैं हिस्टोरिकल बुक्स जो होती हैं उनको पढ़ना पसंद करती हूँ, तो उनको थोड़ा टाइम दे लेते हैं बस। क्रिकेट में मैं ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग में मैं राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर हूँ और बैटिंग में भी राइट हैंड। मैं इंस्पायर सना बाजी और बिस्मा बाजी से हुई थी, बैटिंग के लिहाज से बिस्मा बाजी से, और एज ए अगर कैप्टन देखूँ तो सना बाजी बेस्ट है इनकी। मेरा नाम गजाला आमिर है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ, और वहीदा अख्तर जो है मेरी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड है, और हम तकरीबन यूनिवर्सिटी 4 सालों से खेलते रहे हैं, और हॉस्टल में भी हम तकरीबन 4 साल एक रूम में रूममेट रहे हैं। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वहीदा को जब बॉलिंग करते हुए देखा था तो मैं इसकी बॉलिंग से बहुत इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि मैं खुद भी एक फास्ट बॉलर हूँ, और जब इसका रन अप और जंप वगैरह जब भी देखती हूँ या इसकी बॉलिंग करते हुए देखती हूँ कि मतलब हम लोग इम्प्रेस होते हैं कि मतलब हम भी इस तरह बॉलिंग करें। और मेरा फर्स्ट साल था जो मुझे मतलब गिलगित से आई थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि बॉलिंग किस तरह करनी है और किस उस पर करनी है। तो वहीदा जो है मैचेस के दौरान, प्रैक्टिस मैचेस होते थे, इंटरवर्सिटी के मैचेस होते थे, तो ये हमें जो ज़रूर गाइड करती होती थी, और इसकी बॉलिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और ये बॉलर ऑलराउंडर है, मतलब ये बैटिंग भी बहुत अच्छी करती है, यानी हीटर है हमारे इंटरवर्सिटी की टीम में, हम इसको एज ए हीटर यूज़ करते थे, और फील्डिंग भी आउट क्लास है। तो मैं वहीदा की तरह मतलब दूसरे प्लेयर्स को भी या खुद को भी मतलब इसी तरह वो करना चाहूँगी कि वहीदा की तरह अच्छी बैटिंग और बॉलिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तुबा हसन और मैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की प्लेयर हूँ, और जहाँ तक मेरा व्यू वहीदा अख्तर के बारे में है, मैं इनके साथ 5-1 साल से कनेक्टेड हूँ, और हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस इवन फिटनेस प्रैक्टिस और ट्रेनिंग सेशंस हम लोग साथ करते रहे हैं। तो अगर मैं इनके बारे में बोलना चाहूँ तो शी इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर, शी इज़ वेरी गुड बॉलर, तो और पेस भी है, वेरिएशंस भी हैं, और क्रिकेटर बहुत अच्छी हैं। मेरा नाम खिजा मंजूर है और मेरा ताल्लुक भी लाहौर कॉलेज से ही है, मैं भी लाहौर कॉलेज से ही खेलती हूँ। मैं जब यहाँ पर नई नई आई तो मैंने देखा वहीदा अख्तर को, उस वो ऑलराउंडर, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनकी फिटनेस, उनकी बैटिंग, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस हुई, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनकी तरह ही बनूँ। मैं भी यहाँ से ही खेलती हूँ, विकेट कीपर हूँ, और वहीदा अख्तर को देख के, वो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनकी पेस बहुत अच्छी, लाइन सब कुछ, फिटनेस वगैरह, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है कि मैं चाहती हूँ कि मैं भी आगे जाके उनकी तरह ही बनूं। खेलने का शौक़ मुझे बचपन से है, मेरे मामू लोग खेला करते थे तो वो लोग मुझे बुला लिया करते थे, तो तकरीबन आठ साल की होंगी मैं जब से मैं मतलब कि खेलना स्टार्ट किया, उससे फिर मुझे खेलने का शौक़ और पैदा हुआ। तो मेरा स्कूल था मिडल तक, मुझे पढ़ने का इतना शौक़ वगैरह नहीं था, तो एक दफ़ा सिस्टर के साथ गई, उनके स्कूल में ना स्पोर्ट्स डे हो रहा था, तो वो मुझे लेके गई, तो मैंने वहाँ पे ना गेम्स वगैरह होते देखी, तो उधर से ना फिर मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे आना ही आना है। उधर से फिर मैंने सिर्फ गेम्स की वजह से मैंने 5th क्लास वहाँ से की, और फिर मैंने 6th में उधर जाके एडमिशन लिया था अपना, और स्कूल हाई स्कूल में आके फिर मैंने जो थी हमारी गेम्स स्टार्ट की वहाँ से, मैंने वहाँ से फिर हमने बोर्ड लेवल पे खेला, बोर्ड लेवल के बाद फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला था मैंने, और फैसलाबाद और लाहौर रीजन से फिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, सही जो स्टार्ट मेरी क्रिकेट हुई है वो फिर वहाँ से हुई थी मेरी। 2015 में पाकिस्तान ए की सीरीज हुई थी श्रीलंका की ए टीम के साथ जो मैंने खेली थी, और उसके बाद 2016 से 2018 तक जितने भी नेशनल कैंप हुए थे वो मैंने अटेंड किए, और 2017 में हम ODI वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, जिसमें 15 में मैं थी, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया किसी भी मैच में और मैं नहीं खेली थी फिर, और 2018 में इमर्जिंग एशिया कप हुआ था श्रीलंका में, उसमें भी मुझे मौका नहीं दिया गया था और मैं बाहर बैठी थी।
2019 में इमर्जिंग एशिया कप हुआ था जिसमें मैं सिलेक्ट थी और वहाँ पे भी मुझे मौका नहीं मिला, मैं बाहर बैठी थी किसी भी मैच में। अभी ये हाल में ही एक टूर्नामेंट हुआ है जो कि क्वेटा ग्लेडिएटर सीएम बलूचिस्तान T20 टूर्नामेंट हुआ है और उसमें मैं केपी की तरफ से खेली हूँ जो कि हमने विन किया है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही है मेरी। बचपन में शरारतें तो इतनी नहीं की मैंने, लेकिन हाँ लड़कियों के साथ मैं खेली नहीं हूँ तो लड़कों के साथ ही खेलती थी, तो अब्बू को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि लड़कों के साथ खेलती हूँ, लोग कहते थे लड़कियों के साथ खेला करो, तो इसमें बहुत मार खाई है मैंने। मेरा एम यही है कि मैं पाकिस्तान टीम में दोबारा से कमबैक करना चाहती हूँ और अपने कंट्री के लिए खेलना चाहती हूँ, सर्व करना चाहती हूँ खुद को, और ताकि अपनी कंट्री का नाम रोशन कर सकूँ।